सेडिशन महात्मा गांधी का पुतला बना के उसको गोलियों से छलनी करने का काम किया। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान के तिरंगे को कभी मारा नहीं और हमेशा उसको जलाने का काम किया, कभी उनका देश द्रोह का मुकदमा नहीं लगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां का पढ़ने वाला तालिब इल्म जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, जो कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल अदा करता है, पढ़ा जा कर दिया हमारी तारीख को कि क्या तारीख रही है हमारी, जिस यूनिवर्सिटी ने भारी मुल्क के तीन चार प्रेसिडेंट दिए, हिंदुस्तान का नायब सदर जिस यूनिवर्सिटी ने दिया, और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें तमाम डॉक्टर इंजीनियर और बड़े बड़े वकील दिए। उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर इन लोगों ने फर्जी तेजियों का मुकदमा करने का काम किया। और ये लोग जो पिछले कई सालों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जिन वादों को करके ये लोग सत्ता में आए थे, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, विकास हो, हर मुद्दे पर ये लोग कहीं ना कहीं विफल और फेल रहे हैं। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ आप लोगों को टारगेट इसलिए किया गया ताकि किसी भी तरह कमजोर महाजूरियत को और आसानी से ये लोग खुले एडमिशन करा करके आने वाले इलेक्शन में फिर से कामयाब हो सके। मगर हमें यकीन है कि हिंदुस्तान के आवाम इनकी नाकामियों को पहचान चुकी है। आप देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टारगेट करने का इनका मकसद सिर्फ इसलिए था कि हिंदुस्तान के नौजवान पढ़ लिख ना पाए। इनको पता है कि अगर नौजवान पढ़ लिख लेगा तो इनसे सवाल करेगा और अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो इनका विरोध करना शुरू कर देगा। और पिछले चार सालों में अगर इनके खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष रहा है कोई हिंदुस्तान में, तो वो सिर्फ देश का स्टूडेंट और यहाँ का छात्र रहा है। देश के स्टूडेंट की कमर तोड़ने के लिए फर्जी मुकदमा पर लड़ने का काम किया, मगर जिस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है हम लोग इनके फर्जी मुकदमे से डरने वाले नहीं है। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम पे फर्जी मुकदमा करके हमको दबाए जाएंगे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। जब ये शेरवानी पहनता है तो ये ऐलान कर देता है कि इसका एक पैर जेल में, दूसरा पैर रेल में। मेहमानों की फहरिस्त लंबी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मिलने के उसके बाद बात करूंगा।